मुजफ्फरपुर जिले के गन्नीपुर स्थित माँ वैष्णो देवी दरबार में पिछले 55 वर्षों से अधिक समय से माता रानी की पूजा अर्चना होती आ रही। इस वर्ष भी माँ वैष्णो देवी युवा पूजा समिति के द्वारा विशेष रूप से पूजा की जा रही, जिसमें कमेटी के लोग भक्तों की सेवा में तत्पर हैं। बता दें कि आगामी 10 अक्टूबर को रात्रि में भव्य जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र कानपुर से आ रहे राधा कृष्ण, माता काली, महादेव एवं माता वैष्णो और भैरव की झांकियां रहेंगी। वही व्यवस्थापक अभिषेक कुमार ने भक्तों से जागरण में सम्मिलित होने की अपील की। मौके पर सत्यम शर्मा, रंजन कुमार, समीर रौनक, शुभम, आयुष शर्मा, सचिन, अभिषेक, सम्राट भीम कुमार पांडे सहित कई पूजा कमेटी के लोग मौजूद रहे। तो जय माता दी आपको और पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं। हमारे युवा पूजा वैष्णो देवी समिति की तरफ से कल 10 तारीख को विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें आप पूरे शहर के हमारे जनता जनार्दन इस पूजा समिति के तरफ से आने का कष्ट करें और इस भव्य आयोजन को सफल बना दें। और ये पिछले 55 वर्षों से हमारे यहाँ पूजा की व्यवस्था है और हमारी तो उम्र जितनी है हम उतने समझिए जब से हम इसको देख रहे हैं और पूजा तो देख ही रहे हैं। हमारे पिताजी हमारे उनके पिताजी से ये चलते आ रहा है और हमारे पुरोहित अमरीश कुमार प्रजापति जी जो हैं अभी उनसे पहले उनके पिताजी थे पुरोहित इस मंदिर के। जी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ इतनी होती है कि जो आप आइएगा तो आप अभी तो शाम रात का समय हो गया है, 8:30 बजे तक लगभग यहाँ पर समझिए कि जो 7 बजे से हमारे यहाँ मतलब आरती की व्यवस्था होती है और शाम 4 बजे से कीर्तन का व्यवस्था होता है। पूरे नवरात्रे में ये कीर्तन होता है और हर बृहस्पतिवार को भी यहाँ पर कीर्तन की व्यवस्था की जाती है। समिति की पूरा समिति की नवयुवक पूजा समिति की तरफ से केवल लड़का लोग रहते हैं और पूरी व्यवस्था है जिसमें आपको किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।